हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मूव माउस। जैसे मैं अपना कर्सर इस बॉडी के इंटायर एरिया पर घुमाऊंगा तो इस तरह से गोलाकार शेप में आपका कलर देखता हुआ मिलेगा और इस कलर में भी आपको एनिमेशन देखता हुआ मिलेगा। इसका कलर एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होता हुआ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको HTML, CSS और थोड़ा बहुत एडवांस में जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस डिज़ाइन को देखकर कुछ सोच सकते हैं, कुछ आइडिया अपने माइंड में ला सकते हैं तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है या बन भी जाता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम लोग कोडिंग पार्ट में चलते हैं। आप एक HTML का फाइल ले लीजिएगा और इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा और बॉडी के अंदर आप एक डिव लेंगे और डिव के अंदर वो कंटेंट आप लिख देंगे। मूव क्या लिखा हुआ था, मूव माउस लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे मूव माउस लिख दीजिए। तो चलिए अब हम लोग सिंपली CSS में कोडिंग करते हैं और इसके अंदर आप स्टार सिंबल के माध्यम से मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर दीजिए और बॉडी में ओवरफ्लो हिडन कर दीजिए और बैकग्राउंड आप ये कलर दे दीजिए और हाइट इसका 100 VH दे दीजिए। इसके बाद आप डिव को सेलेक्ट कर लिए इस प्रकार से और इसमें आप जो चाहें जो फॉन्ट फैमिली पास कर दीजिए। मैं फॉन्ट फैमिली सेंसली पास करता हूँ। इसका जो मीन हाइट होगा उसको मैं 100 VH करता हूँ और इसका डिस्प्ले फ्लेक्स मैं कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन मैं पास करता हूँ कॉल्यूम और इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा या वैसे भी एक इसका कलर ब्लैक रहता ही है और इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखिए ये जस्टिफाई सेल्फ है, हम लिखना चाहिए था जस्टिफाई आइटम्स और इसको सेंटर कर दीजिए। अब अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सेंटर में आ गया। आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉन्ट वेट बोल्ड और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बोल्ड आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग CSS में कोडिंग करने वाले हैं इसका। जब मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये जितना भी कलर आपको दिख रहा है ये सभी स्पेन टैग डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है और उसका विड्थ एंड हाइट डायनेमिकली ही डिसाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्पेन टैग का कोडिंग कर लेते हैं, तब हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसको डायनेमिकली क्रिएट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आइए और स्पेन टैग को स्टार्ट कीजिए और इसका विड्थ दे दीजिए 50 पिक्सल, हाइट भी दे दीजिए 50 पिक्सल और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 50% कर दीजिए जिसकी माध्यम से ये गोलाकार आपको दिखे। पोजीशन आप एब्सोल्यूट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप इसमें पॉइंटर इवेंट जो है उसको नन कर दीजिए। इसका बैकग्राउंड कलर आप पास कर लीजिए ये हेक्स कोड और उसके बाद आप इसमें ट्रांसफॉर्म पास कीजिए ट्रांसलेट -50%। इसके बाद आप एनिमेशन प्रॉपर्टी लिखिए और इसमें आप लिखिए एनिमेट 4 सेकेंड आप लिखिए, उसके बाद आप इसको लिखिए इनफाइनाइट और इसके बाद आप इसको लीनियर कर दीजिए। अब ये जो आपका एनिमेट है इसका कोडिंग कीजिए, तो आप सिंपली लिखिए यहाँ से एडर की फ्रेम्स और उस एनिमेट आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे आप 0 और 100% पास करेंगे, 0 और उसके बाद आप 100% पास करेंगे। इसमें यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है ना आप इसको 1 कर दीजिए। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे वो रहेगा फिल्टर और फिल्टर में आप लिखेंगे ह्यू रोटेट और इसको आप 0 डिग्री कर दीजिए। अब सेम इसी कोड को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और ट्रांसलेट में जो आपका दूसरा वैल्यू है दूसरा वैल्यू आपको 1000 दे दीजिए क्योंकि ये टॉप वाला वैल्यू है, तो आप इसको 1000 कर दीजिए। 1000 करने से क्या होगा कि ये जो आपका इस पर ओवर कर रहे हैं तो ये देखिए कलर ओवर करने के बाद ये स्पेन टैग कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मीन्स टॉप के टॉप जा रहा है और वहाँ पे रिमूव हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको -1000 पे
परसेंट करेंगे, ओपेसिटी इसका हम लोग 0 कर देंगे और डिग्री हम लोग 720 कर देते हैं, इस प्रकार से 720। अब चलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं। तो बॉडी के सबसे नीचे आइए और स्क्रिप्ट स्टार्ट कीजिए और क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट और यहाँ पे लिखिए एड इवेंट लिस्नर। मैं इसमें माउस ओवर इवेंट लागू करना चाहता हूँ और इसके बाद एक आप एनोनिमस फंक्शन लिख लीजिए और इसके पैरेंथेसिस में आप आर्गुमेंट के तौर पर ई पास कर दीजिए। और उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाइए बॉडी वेरिएबल और इसमें आप डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के माध्यम से आप बॉडी को सेलेक्ट करके रख लीजिए। इसके बाद आप डायनेमिकली स्पेन टैग क्रिएट कीजिए, तो आप एक वेरिएबल बनाइए स्पेन टैग के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के माध्यम से आप स्पेन टैग को क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आप दो वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल बनाइए एक्स वेरिएबल और वेरिएबल वाई वेरिएबल। ये हम लोग किस लिए बना रहे हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मैं कंसोल में इसको प्रिंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और ई को प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और F12 दबाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं कहीं पे एक बार इसको मूव करता हूँ, तो देखिए ये आपका ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। ये जो ऑफसेट एक्स प्रॉपर्टी है ये आपका लेफ्ट से बताएगा कि कितना पिक्सल ये है और ये ऑफसेट वाई है ये टॉप से बताएगा। तो इसी को हम लोग एक्स एंड वाई में स्टोर करके रखते हैं। तो उसके लिए आप कैसे रखेंगे, आप सिंपली ई लिख लीजिए। ये जो आप आर्गुमेंट के तौर पे दिए हैं ई लीजिए और इसी में ही आप ऑफसेट एक्स पास कर दीजिए और इसके बाद वाई में भी आप उसी तरह से लीजिएगा ई डॉट ऑफसेट यहाँ पे वाई कर दीजिए। इसके बाद आप इस कंसोल को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये जो स्पेन टैग है, स्पेन टैग में आप टॉप से और लेफ्ट से डायरेक्शन पास कर दीजिए। तो सिंपली मैं स्पेन टैग लिखूंगा, उसके बाद स्टाइल टैग लिखूंगा, स्टाइल टैग के बाद आप लेफ्ट लिखूंगा और लेफ्ट के बाद एक्स लिखूंगा और एक्स में मैं कॉन्कोर्डिनेट कर लूँगा पिक्सल को। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं वाई पास कर दूंगा और लेफ्ट के जगह टॉप पास कर दूंगा। इसके बाद आपका जो है स्पेन टैग है इसका विड्थ एंड हाइट आप इसमें इनपुट कर दीजिए। तो मैं स्पेन टैग लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल लिखूंगा और इसमें सिंपली मैं विड्थ पास कर दूंगा और विड्थ में मैं सिंपली 30 पिक्सल पास कर दूंगा। तो इसको आप डुअल कोट में पास कर दीजिए 30 पिक्सल। उसी तरह से इसका आप हाइट भी पास कर दीजिए 30 पिक्सल। और इसके बाद आपने क्या किया, आपने स्पेन टैग को क्रिएट कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसी जो स्क्रिप्ट के बाहर आते हैं, आपने स्पेन टैग क्रिएट कर लिया। स्पेन टैग के अंदर आप स्टाइल टैग के माध्यम से आपने इसका लेफ्ट भी पता कर लिया, अब इसके बाद टॉप भी इसमें डिफाइन कर लिया, इसमें आप विड्थ भी पास कर दिया, उसके बाद हाइट भी पास कर दिया। बट आप इसको कहाँ पे, ये जो आपका स्पेन टैग है ये आपको कहाँ पे दिखे ये अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर दिखे, तो ये आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर इस स्पेन टैग को आपको अपेंड करना होगा। तो सिंपली आप क्या कीजिए, आप बॉडी वेरिएबल लिखिए और इसमें आप लिखिए अपेंड या अपेंड चाइल्ड और इसमें सिंपली स्पेन टैग पास कर दीजिए। सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको कट करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर ओवर किया, ये सिर्फ यहीं पे ही काम कर रहा है, यहीं पे देखिए इस प्रकार से और काम यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है, बट देखिए वो यहाँ से ही वो रिमूव हो जा रहा है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो आपका ये जो बन रहा है ये आपका गोलाकार स्पेन टैग, ये विद इन हाइट आपने इसको स्टैटिक डिफाइन किया है, बट आप अपने अनुसार इसको डिफाइन किया है, बट इसको आपको डायनेमिक के बनाना होगा। डायनेमिक कहने का मतलब है ये जहाँ पे भी कर्सर बढ़े वो आप एक रैंडम मेथड के माध्यम से विद इन हाइट को आप जेनरेट कीजिए। तो चलिए अब उसका कोडिंग करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा साइज का नाम के और इसमें सिंपली मैं लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम
एक आपका मेथड होता है और रेंडम में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये आपका क्या रिजल्ट देगा, ये आपका 1 से लेकर आपका 100 तक ये देगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ और 30 लिखता हूँ, और 30 के बाद इसको मैं कनकोर्डिनेट कर दूँगा साइज को, और साइज के बाद इसको आप पिक्सल से कनकोर्डिनेट कर दीजिए, और इसी चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो इवेंट मैंने लगाया हूँ माउस ओवर, तो मैं माउस मूव लगा कर देखता हूँ वो कैसा इफेक्ट देता है। मैंने माउस मूव लगाया, अब यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। देखिए माउस मूव लगाने पे जहाँ भी आप इसको इस तरह से घुमाएंगे वहीं पे ही उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैंने जहाँ पे घुमा रहा हूँ वहाँ पे भी इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बट मैं इसको अब यहाँ पे लेकर जाकर छोड़ दूँगा तो ये हमेशा एक स्पेंट क्रिएट होगा और इसी तरह से वो कलर आपको देखने को मिलेगा। बट इसमें तो वैसा नहीं है, आप इस तरह से मूव करेंगे और छोड़ देंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका ये गायब नहीं हो रहा, ये हमेशा क्रिएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो आपका स्पेन टैग है ये पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको आपको रिमूव करना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही आसान काम है, आप इसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल कीजिए, सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल कीजिए, और इसके अंदर आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाइए, और इसके बाद आप इसको टाइमिंग डिफाइन कर लीजिए। तो मैं 1.8 सेकेंड का टाइमिंग रखता हूँ, और इसके जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में मैं लिखूँगा स्पेन, और स्पेन टैग में सिंपली मैं रिमूव मेथड को लागू कर लूँगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए जैसे मैं इस पर मूव ओवर करूँगा इस प्रकार से, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से ये आपका डिज़ाइन देखने को मिला, बट जैसे मैं इसको ऊपर टॉप में ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आपका स्पेन टैग क्रिएट होना बंद हो जाएगा और आपको दिखने को नहीं मिलेगा। फिर आप इस पर ओवर करेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। So thanks for watching this video.